फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नाश्ता, वो भी मूंग दाल मसाला। इतनी टेस्टी बनता है। चलिए हमने इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट लिए आपको बताते हैं। इसके लिए हमने 1 कप खड़ी मूंग दाल ली है, आप छिलके वाली भी ले सकते हैं और धुली मूंग दाल से भी बना सकते हैं। इसको हम पहले अच्छे से धो लेते हैं। चलिए दाल को हमने धो लिया है, अब हम इसमें 2 कप पानी डाल के इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देते हैं। इसको हमने ढक दिया। चलिए 2 से 3 घंटे हो गए, हमारी दाल भीग गई है, देखिए कितनी चिप्स भीग गई। अब हम इसको पीस लेंगे, तो हम मिक्सी में डाल के पीस लें। इसमें हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च डाली है, आप हरी मिर्च अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, और थोड़ा पानी डाल के इसको हमने इस तरह का पेस्ट तैयार कर लिया है। ठीक है, हमें दाल को बिल्कुल बढ़िया महीन पीसा। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल दे रहे हैं, नमक डाला है स्वाद के अनुसार, जीरा डाल लें और आधी चम्मच हींग डाली। चलिए इन सबको अच्छे से मिला देते हैं। देखिए हमारी दाल कितनी बढ़िया पिसी है, बहुत ही बढ़िया से। हमने इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड भी डाल दिया है। चलिए अब हम इसे भाप में पकाएंगे। हम आज जो पका रहे हैं कुकर में, हमने कुकर में पानी डाला है जिसमें हमने 3-4 हरी मिर्च डाली और 1 भगोना लिया है जो उसके अंदर रखेंगे, उसमें ऑयल लगा दिया ताकि जो हम इसमें डालेंगे इजली निकल जाए। चलिए इसे अब हम कुकर में रख दे रहे हैं, इसे करने से टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। अब 2 विसल के बाद हम 3-4 मिनट के लिए गैस सिम कर देंगे। चलिए 2 विसल आ गई हैं, अब हम देखते हैं भाई कितनी बढ़िया भाप में देखिए पक गई है बहुत ही जल्दी। चलिए इसे अब हम थोड़ा ठंडा हो गया साइड से करके निकाल लेंगे। इसे हम केक निकालते हैं, बिल्कुल उसे देखिए कितनी फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बनी है, देखिए। चलिए इसे हमने 1 प्लेट में पलट दिया, देखिए हमारी दाल कितनी बढ़िया भाप में पकी। अब ये हरी मिर्च भी है। अब हमने 1 पैन में रिफाइंड डाला है 1 टेबल स्पून, जिसमें हमने राई डाली है आधी चम्मच और हींग डालने हैं, और ये हमने करी पत्ता डाला है 1, और प्याज डाले हमने 2 छोटे छोटे काट के और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। चलिए इन्हें हम थोड़ा लाल कर लेते हैं, जब ये नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से लाल हो जाए। चलिए अब इसको बढ़िया से भून लेते हैं। हमारा प्याज लाल हो रहा है, हम इसके भी पीसेस कर लेते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बना है, देखा कितनी ईजली कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये मूंग दाल का पेस्ट तैयार हुआ है। स्क्वायर शेप में काटा, आप कोई और शेप में भी काट सकते हैं। अब हमने इसमें आधी चम्मच हल्दी डाल दी है, आधी चम्मच लाल मिर्च है और थोड़ा सा जीरा पाउडर है। अब हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर आधी चम्मच डाल दिया। अब सबको अच्छे से मिला देते हैं, और अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दे रहे हैं। कि हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया भुन रहा है, बहुत ही अच्छा तैयार हुआ, कितना अच्छे से, बहुत ही अच्छा कलर भी आया। चलिए अब हमने जो मूंग दाल के पीसेस काटे हैं उनको डाल देते हैं। इनको हमने भाप में पकाया, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इन्हें हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे और फिर इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इनमें मसालों का बढ़िया फ्लेवर आ जाए। अब 2 से 3 मिनट भी हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, देखिए कितने बढ़िया से भुन गए। चलिए इसमें हम थोड़ी धनिया की पत्ती डाल देते हैं, हमने 1/2 कप धनिया काट के रखी थी, अच्छे से धो के पत्तियों को ही। चलिए इसे अच्छे से मसाला मूंग दाल तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी बना। चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।